नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। फरवरी में 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है और इसी के लिए सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री विदेश के दौरे पर गए और वहां से निवेश उत्तर प्रदेश में कैसे लाया जाए इसको लेकर लगातार प्रयास किए गए। ग्लोबली देखा जाए तो निवेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में यानी कि घरेलू निवेशकों पर सरकार का ध्यान है और घरेलू निवेशकों को अपनी ओर खींचने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में 5 जनवरी 2023 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक यूपी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो रोड शो करने वाले हैं देश के 7 अलग अलग शहरों में। और इसके जरिए हमारे देश के जो तमाम निवेशक हैं उनको उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए प्रेरित करना ये सरकार का कहीं ना कहीं लक्ष्य है। और इसी को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जाएंगे मुंबई और वहां भी रोड शो करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, नंदगोपाल नंदी, रविंद्र जायसवाल, तमाम जो मंत्री हैं सरकार के वो रोड शो करने वाले हैं अलग अलग शहरों में। जो टीम विदेश गई थी कहा यह जा रहा है कि 7.12 लाख करोड़ रुपए का निवेश विदेशों से आया है और अब देश के निवेशकों से किस तरह से निवेश करवाया जाए और कितना जो सरकार का लक्ष्य है उसको किस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं इस पर अब कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो निवेशक हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार का फोकस है। तो कितना फायदा सरकार को होगा, कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी है। विदेश के बाद अब देश में फोकस किया जा रहा है जो तमाम जो निवेशक हैं उनको कहीं ना कैसे लुभाया जाए, किस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल जो है वो बनाया जाए। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखावटी निवेश है, ये सिर्फ कागज पर निवेश हो रहा है, MOU साइन हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जो है वो हमला बोला है, लेकिन आगे बढ़ेंगे इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। चार कंट्री में जो औद्योगिक शहर हैं उसमें सभी शहरों में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मंत्रीगण जाने वाले हैं, वहां जाकर के निवेशकों से बात करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में न्योता देंगे। इंग्लैंड में, खासतौर से न्यूयॉर्क अमेरिका में और सैन फ्रांसिस्को में इस बात को देखा है कि उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश और दुनिया के निगाह में बदली हुई है और लोग सबसे ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं और हर तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को अचीव करना है उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बहुत कंजीनियल है। प्रधानमंत्री जी देश को 5 ट्रिलियन की ओर ले जाना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान रहेगा। उसी कड़ी में अभी आपने देखा होगा कि हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण विदेशों में रोड शो करने गए थे उत्तर प्रदेश की तरफ से और करीब 7.12 लाख करोड़ रुपए के निवेशों के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में वो लेकर आए विदेशों से। योगी सरकार ने हमेशा उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम किया और आज देखिए कि उत्तर प्रदेश की इस बदलती हुई तस्वीर में देश और विदेश से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। तो लगातार सरकार के जो मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ DC चंदानी जी जुड़े हुए हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बाकी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वैसे आपका परिचय कराएंगे। मनोज जी सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। सर निवेश आ रहा है, तमाम आपने मंत्रियों को सुना, कहा यह जा रहा है कि निवेश जो है वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में आ रहा है। समाजवादी पार्टी आखिर विरोध क्यों कर रही है? कहा यह जा रहा है कि देखिए अखिलेश यादव का भी जो स्टेटमेंट है वो आया था कि कागजी निवेश हो रहा है। सर कागज पर मोमबत्ती जलाकर दिखाने से उजाला नहीं होता है। देखिए त्रिपाठी जी, एक बात स्पष्ट समाजवादी पार्टी कह रही है जी, जब कोई काम की पुनरावृत्ति होती है तो उससे पहले वाले काम का भी तो हम अवलोकन करेंगे कि कितना काम हुआ। मतलब हम 9th हाई स्कूल का एग्जाम देने की बात कर रहे हैं और 9th का रिजल्ट के बारे में पूछा ही ना जाए कि 9th में आप पास हुए कि फेल हुए, कितने नंबर आए, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन क्या रहा, ये जिम्मेदारी बनती है ना। तो 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है उससे पहले 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU
उत्तर प्रदेश की सरकार में साइन हो चुके हैं 2018 से लेकर 2022 के बीच में, उनका परिणाम क्या है, वो कहां तक अब तक सफल हुए, इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, नौजवान जानना चाहता है और उद्यमी जानना चाहते हैं। जिन उद्यमियों ने एमओयू साइन किया था वो कहां तक पहुंचे, उनको कितना लाभ मिला, प्रदेश की जनता को कितना लाभ मिला, ये सारी चीजें जनता जानना चाहती है। सरकार ने लोगों को भ्रमित कर रखा है। अगर हम उनसे पूछ रहे हैं कि वो 5.5 लाख करोड़ रुपए कहां चले गए, कहां लगाए, किस जिले में, किस जनपद में, गोरखपुर में सबसे ज्यादा लगा हो तो बता दो, बनारस में सबसे ज्यादा लगा हो तो बता दो, शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा लगा हो तो बता दो, या नोएडा गाजियाबाद में सबसे ज्यादा आया हो तो बता दो, मतलब कुछ तो जिलों के नाम बताओ। अगर वो नहीं आप बता सकते तो दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। और संदिग्धता आती है कि जिस तरीके से बीजेपी, हमने तो सुना था कि रैली करके, रथ यात्रा करके चंदा लिया जाता है, और अब ये नया हम ट्रेंड सुन रहे हैं कि अब तो इन्वेस्टमेंट रैली करके लिया जाएगा, रैली करके इन्वेस्टमेंट आ जाएगा प्रदेश में। इसे कहते हैं विशुद्ध रूप से राजनीति करना और 2024 की तैयारी करना, चूंकि 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाला अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भाजपा अपने आप को क्लेम करता है, वही करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं बड़ी सावधानी से बीजेपी से पूछ रहा हूं, सावधानी शब्द का प्रयोग किया है कि जवाब देने में असावधानी न बरतें, आप सावधानी से बताएं कि 5.5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में लगा है। और अगर आप वो नहीं बताने पे सक्षम है तो निश्चित तौर पे ये माना जाना जाएगा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बेहतर तरीके से अगर कोई काम कर सकती है तो जनता और विपक्ष को मूर्ख बना सकती है। इसके सिवा मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बात या कुछ ठीक है। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, मैं सर मनोज जी मैं जवाब देता हूं। एक मिनट, एक लाइन और पूरी जी। 1 लाख करोड़ से ज्यादा लगभग सराउंडिंग समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में एमओयू साइन हुआ था, उसके परिणाम तो जान लीजिए। लुलू माल आया, मेदांता सिटी आया, अमूल डेयरी आया, आपके हमारा जो स्टेडियम बना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हो गया, पहले इकाना के नाम से था, वो आया। और इसमें एक्सप्रेस वे मत जुड़ा देना, ये सब एमओयू में नहीं होता है, ये सब सरकार करती है। मेदांता सिटी जो आया वो हमारे उसी उसका व्यवस्था के थ्रू तहत आया, और तमाम सारी बैंकें आई जो हमने एमओयू के तहत साइन किया था, जिसका रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में 1 साल में सबसे ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी बैंकों की शाखाओं को खोलने का। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं 5.5 लाख करोड़ के एमओयू में क्या आया। ठीक है, असन सिंह जी आपका बहुत स्वागत है सर। देखिए धन्यवाद। मनोज जी का ये कह रहा है कि देखिए 2018 से जो इन्वेस्टर समिट है उसका आयोजन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं, और उसका हिसाब अभी तक क्या है, भारतीय जनता पार्टी हिसाब दे किस जिले में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। बहुत शानदार पूछे, लेकिन मनोज जी को मैं कहूंगा कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी वाला चाल चरित्र और चित्रण मत करिएगा, धैर्य से सुनिए, मैं एक एक बताऊंगा। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहाँ 36,000 करोड़ रुपए लूट लिए जाते हैं और जाते जाते उसका हिसाब नहीं किया जाता है, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहाँ 350 करोड़ रुपए नाच गाने में लुटा दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ मेरठ से लेकर दिल्ली तक रैपिड रेल बन रहा है। सैमसंग की कंपनी जब विदेश से अपना नाता तोड़ती है चाइना से और भारत की तरफ रुख करती है तो उत्तर प्रदेश को अपनाती है और नोएडा को अपनाती है, और उस सैमसंग कंपनी उत्तर प्रदेश में आती है। आज देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अगर कहीं बनता है तो उत्तर प्रदेश में बनता है। आज अमूल की फैक्ट्री वाराणसी में लगती है तो उत्तर प्रदेश में लगता है। मथुरा में पेप्सिको की कंपनी लगती है, डिफेंस कॉरिडोर बनता है जिस अलीगढ़ में, जिस मेरठ में केवल अपहरण और अपराध होते थे आज वहां खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। आज मेट्रो के काम हो रहे हैं कानपुर में और आगरा में, आज जो है बबलिस यहां पे निर्माण कर रहा है। 20 विदेशी कंपनियों ने निवेश कर दिया डिफेंस कॉरिडोर में, क्योंकि कुछ लोगों को हमारा जो है ये काशी कॉरिडोर अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो अच्छा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी शोहरत ही उस तरह की है सरकार कि आपको काशी कॉरिडोर अच्छा नहीं लगेगा। आपको तो प्रयागराज का कुंभ भी नहीं अच्छा लगा, इसलिए आप ठहाका लगाते हैं, और ठहाका तो कई काल खंडों में लगा। हम तो जो अपने 3 बड़े इन्वेस्टर समिट किए लेकर
सरकार जनता के बीच में गई, जन विश्वास यात्रा के माध्यम से गए, और जनता जनार्दन होती, हम तो विपक्ष को नहीं, परिवारवादी, समाजवादी, जातिवादी या अहंकारवादी पार्टी से हमको नहीं न्याय लेना था, हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमको स्वीकारा। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें जिले बढ़ जाते थे, अपराधियों की मदद की जाती थी, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे होते थे, बदायूं और बुलंदशहर के दुष्कर्म होते थे, मथुरा का कांड होता था, रात को टार्च मार के इसी नोएडा में लूट मचती थी, मुख्यमंत्री को दिखाया जाता था कौन सा प्लाट आपको चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पहले से सरकार भी दावा करती है। कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए जो इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग हैं उनका रुख जो है उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले ही आगाह बीजेपी को कर दिया था कि एमयू के साइन किए गए कामों का विवरण आप करिएगा। सैमसंग समाजवादी पार्टी लेके आया था ये बात, मतलब किसी जमानी खर्च से नहीं कही जा रही। बीच में सिंह जी ज्ञान नहीं, बीच में ज्ञान मत दीजिए। नो, अपने टाइम पे ज्ञान दीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान की बात है, और उस दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सैमसंग कंपनी उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया था, वो भी एक लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट समिट का हिस्सा था। और ये बातें कहते ना, अमूल की बात कर, अमूल समाजवादी पार्टी के समय में आया, आपने कहा सर आप भी सैमसंग पर दावा कर रहे हैं, एसएन सिंह जी भी दावा कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यकाल में आया, हमारे कार्यकाल में आया, आप कह रहे हैं अमूल हमारे कार्यकाल में आया। नेक्स्ट सेकंड त्रिपाठी जी, बीजेपी के पहले सुनिए तो, कह रहे हैं कि जानते हैं किस चीज का दावा करेंगे, बनवा रहे हैं कानपुर का, अब इससे बड़ा ज्ञान मेरे अंदर तो देने की क्षमता नहीं है भाई। अपराध करने का दावा कर सकते हैं, अपराधियों को मदद करने का दावा कर सकते हैं, और जो बन रहा है तो हिंदू है उनको पलायन कराने का दावा कर सकते हैं, पूरी सरकार से धर्म के साथ खड़े होने का दावा कर सकती है बीजेपी, मुझे लगता है और चीजों का दावा नहीं कर सकते जनता के समय में, मेरठ में आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हो। ये बताओ बिजनेस करते थे, उनकी 600 दुकानें थी और कभी बिजली का बिल नहीं भरते थे, आप बताने की हैसियत में नहीं हो, आपको 10 नाम नहीं मालूम है। सरकार में दुबई में शरण लिए हुए 5.5 लाख, क्योंकि पारदर्शी सरकार चल रही, ईमानदार और जवाबदेह सरकार चल रही है। जिनके समय बताइए किसानों को क्या दिया जाता था, किसानों की 13 चीनी मिलें बंद हो गई थी, इनके समय में 3 नई चीनी मिलें, 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि किया, क्या लेके आया जनता पार्टी सरकार, आज दुनिया का हमारे सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहीं बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, कहीं रेलवे खरीद रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एयरपोर्ट खरीद रहा है, कहीं रेलवे की जमीन खरीद रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं लेके आया। हमें तो जनता को बताने के लिए कहा गया था, खरीदने को एमयू कैसे कह सकते हैं, एक बड़े निवेश के लक्ष्य हैं, आप बताइए ना क्या निवेश करने कह रहे हैं। देखिए फिल्म सिटी बन रहा है, पेप्सिको का प्लांट लग रहा है मथुरा में, अरे फिल्म सिटी तो 6 साल पहले से बन रहा है त्रिपाठी जी, शांतनु जी, हम तो 6 साल पहले बन रहा है और अभी तक कुछ ना बना, बबली सिर्फ कागज पे बन रहा है बस। हम ब्रिटानिया कह रहे हैं कि लग गया, आप हाँ। उस पे तो आइए, खाद का कारखाना गोरखपुर में चल रहा है, लेकिन मनोज जी तो आइए ज्यादा वक्त तो लगता है ना सर, आपने भी देखिए, आपने भी इन्वेस्टर समिट किया ना सर, आपने भी इन्वेस्टर समिट किया, निवेशक आए, पैसा आया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं लगने में वक्त तो लगता है ना सर। शहरों का शहर समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है, कहां है सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग बोले तो ये अपराधी तो यहाँ देखिए, हमने कारा मेडिकल कॉलेज बनवाया, कौन सा प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज लग गया है बताया ना, ये जानना चाहते समाजवादी पार्टी, ये बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं टीवी में बैठ के, जिंदा झूठ बोलना, जिंदा झूठ बोलना, कौन सा मेडिकल कॉलेज तक चला है बताओ, किस नाम हॉस्पिटल की कंपनी का बताओ, कौन सा मेडिकल कॉलेज आया, अरे क्यों झूठ बोलते हो टीवी पे, शर्म नहीं आती बच्चे पूछेंगे घर में कि पिताजी आप झूठ क्यों बोल रहे थे, राजनीति करते हो इसका मतलब क्या, जिंदा झूठ बोलोगे क्या, नेताओं की ऑलरेडी इमेज इतनी अच्छी नहीं है और आप लोग और उनकी इमेज पे बट्टा लगाने पे लगे हुए हो, रोज झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो, रात से दिन झूठ बोलो,
जब मौका मिले तब झूठ बोलो, ये कौन सी बात हुई? समय हो सकता नहीं, मनोज जी, मनोज जी वो कह रहे काशी कॉरिडोर से दिक्कत क्या है? अगर काशी कॉरिडोर बन रहा है वहाँ वहाँ के लोगों को काशी कॉरिडोर से अगर आपको कोई दिक्कत है क्या काशी कॉरिडोर? इतनी देर की डिबेट से मनोज यादव ने काशी कॉरिडोर पे राम मंदिर पर कोई बात कही क्या? हत्या कराइए, हमने कोई सवाल पूछा क्या? कारखाने आप लगाएंगे? हमने कोई इस तरह का शब्द कहा क्या? विरोधात्मक बात कही क्या? हत्या करने वाले कहाँ गए? ये हमारे काटने वाले चाहते हैं भगवान को बेचते हैं, सुबह बेचते हैं, शाम को बेचते हैं, कभी राम को बेचते हैं तो कभी शिव को बेचते हैं तो कभी हनुमान को बेचते हैं। ये तो बेचने वाले लोग हैं भैया, ठीक है मनोज जी, सरकारी संस्थान में ठीक है मनोज जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये धर्म के बाकी के मेहमान के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको तो धंधा चाहिए, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी सहयोगी बनिए, ठीक है, ठीक है सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। इस समय बड़े बड़े इन्वेस्टर सबमिट हो रहे हैं, डीसी चंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस एक्सपर्ट है सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ की देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और देखा जाए तो 2014 से ये समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब भी होता आया है, निवेशक जो है उत्तर प्रदेश आते रहे और सपा की सरकार में भी निवेश आया, किस तरह से देखते हैं आप इसका क्या फायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है? हालांकि अभी देखा जाए तो बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाती थी और अब चूंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती थी, ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है इसको इसका उत्तर प्रदेश को अभी तक कितना लाभ मिल पाया है आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए अरुण त्रिपाठी जी, ऐसा है कि निवेश तो प्रत्येक भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसको निवेश नहीं चाहिए, सबको निवेश चाहिए जी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ युवा है। अब इतना बड़ा वर्कफोर्स जब हमारे पास है तो उसको काम भी देना है और उसको अगर काम देना है तो उसके लिए क्या साधन है? यही एक साधन है कि निवेश लाया जाए आकर्षित करके। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, प्रत्येक सरकार निवेश लाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अखिलेश जी ने भी प्रयास किया और ये भी कर रहे हैं और जरूरी है, बिना उसके उद्धार नहीं होगा प्रदेश का जी। लेकिन उस निवेश के साथ साथ हमें अपनी जो शासन स्तर पर तैयारियां करनी है उनके ऊपर भी निगाह बनाए रखनी होगी। केवल उद्योगपति का जो लेटर हमें मिल जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं उसको, उसको जोड़ने से विकास नहीं होगा, साथ साथ उस उद्योगपति को यहाँ पर वो माहौल भी देना पड़ेगा, उसको वन विंडो देना पड़ेगा जहाँ पे उसको जमीन मिल जाए। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आज बनारस के अंदर इतना काशी कॉरिडोर बनने के बाद बनारस की अर्थव्यवस्था बदली है, लेकिन वहाँ कई अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आना चाहते हैं लेकिन लैंड अवेलेबल नहीं है, वो लैंड के लिए जूझते हैं, प्राइवेट लोगों से बात करते हैं, आप जानते हैं लैंड का एक्विजिशन आज एक बहुत बड़ी समस्या है जी। लेकिन इसमें सरकार को चाहिए कि वो लैंड पॉकेट्स ऐसे आइडेंटिफाई करके रखे जिसमें एक जैसे निवेशक आता है कि सर मुझे अस्पताल खोलना है, मुझे फैक्ट्री खोलनी है, तो उसको दर दर इधर उधर भटकना ना पड़े, हाँ भाई आपको खोलनी फैक्ट्री, ये लैंड ले लीजिए, ये पावर ले लीजिए, ये नक्शा पास आपका इसी विंडो से हो जाएगा। तो जब ये सारी व्यवस्थाएं हम बनाएंगे तो निवेश तेजी से आएगा। एक उद्योगपति जब दूसरे उद्योगपति से बात करता है, जब उसको आज गुजरात क्यों आगे है, गुजरात क्यों विकास में है, महाराष्ट्र क्यों विकसित हो गया, आप देखिए 1982 में जब एन टी रामा राव की सरकार थी तब चंद्रबाबू नायडू ने सोचा क्या आईटी सिटी बनाने के लिए, आज हैदराबाद सबसे बड़ी आईटी सिटी है, बेंगलोर सबसे बड़ी आईटी सिटी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, एक दिन में कुछ नहीं बनता है। इसके लिए लगातार हर सरकार को, हर लोगों को प्रयास, हमको आपको सबको प्रयास करना पड़ेगा। जब हम आप सब मिलकर प्रयास करेंगे तब ये प्रदेश नंबर वन पे जाएगा। आप देखिए मैं उत्तर प्रदेश का थोड़ा चित्रण आप देखिए, जब आप दिल्ली के सटे हुए एरिया चलते हैं आपको नोएडा में बहुत अच्छी फैक्ट्रियां दिखती हैं, गाजियाबाद में बहुत अच्छी फैक्ट्रियां दिखती हैं, शाहजहांपुर बहुत बढ़िया है, हरदोई तक भी, लखनऊ आते आते जब आप लखनऊ से आगे चलते हैं गाजीपुर बलिया मऊ, तो उद्योग के नाम पे वो शून्य नजर आता है, जबकि उन इलाकों में वर्कफोर्स है, उन इलाकों में युवा है, उसको काम चाहिए। तो हमारा ये जो पूरब का इलाका जो उद्योग विहीन है इसमें कैसे उद्योग आएगा? हर ब्लॉक में एक एक उद्योग आना चाहिए, उसमें कैसे काम बनेगा? अब ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उससे कनेक्टिविटी लखनऊ की बढ़िया बन गई है, लखनऊ आने के लिए आपको मऊ से जो पहले 12 घंटे लगते थे अब 3.5-4 घंटे में आप मऊ से लखनऊ आ जा रहे हैं। तो
उस जगहों पे हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे लैंड पॉकेट्स, और हमें उद्योगपतियों को जाके दिखाना होगा कि देखिए यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर श्रम भी सस्ता है, आप यहाँ लगाइए। अभी आपने देखा भारत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत आगे है, 35% दवाएं वर्ल्ड की हम निर्यात करते हैं यहाँ से, लेकिन जो उसका कच्चा माल है API वो बनाने में चाइना के ऊपर हमारी निर्भरता है। अब अगर चाइना हल्का सा भी कोविड में हिलता है तो हमारी पूरी फार्मा इंडस्ट्री यहाँ हिलने लगती है। तो वो API भारत में बने, वो API जाके पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने, उस पर हम कैसे निर्भरता प्राप्त करें, इसके ऊपर बड़ा गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा और इसमें सभी एक्सपर्ट्स को लाके लगाना पड़ेगा। सिर्फ नौकरशाही के भरोसे सब छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है, सिर्फ मंत्रियों के भरोसे सब छोड़ देना वो भी ठीक नहीं है। बड़ा मेहनत का काम है और करना पड़ेगा, हमने अपने प्रदेश को अगर ऊपर लाना है तो ये सारी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। आपको कैनेडी का एक कथन आपको याद होगा, बोले अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि अमेरिका अमीर है तो वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, यहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर हो गया। तो उत्तर प्रदेश की सड़कें भी अच्छी करनी पड़ेंगी, उत्तर प्रदेश की पावर की ट्रांसमिशन व्यवस्था को अच्छा करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की तहसीलों में बिना भ्रष्टाचार के फटाफट काम हो इसको भी अच्छा करना पड़ेगा। सारा कार्यक्रम जब आप अच्छा करेंगे तब एक उद्योगपति आएगा आपके यहाँ उद्योग लगाने के लिए। ठीक है, एसएन सिंह जी कहा यह जा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन आएंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे उनको एक सिंगल विंडो होनी चाहिए तमाम जो कानूनी पछड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस करने के लिए जो लोग आएंगे, जो इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, उनको एक माहौल जो है वो भी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए, इसीलिए तभी तो निवेश बढ़ेगा सर। देखिए बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, और ये आधार होता है किसी भी बिजनेसमैन को आने का कि वहाँ पानी हो, बिजली हो, सड़क हो और सुरक्षा हो। इस मानक को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश में इस तरह के माहौल को उत्पन्न किया गया, इस तरह की चीजों को बनाया गया। नहीं तो पहले फैक्ट्री लगाने के पहले क्या हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आज जाके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कल कारखाने लगाएं? क्योंकि उनको जो रंगदारी टैक्स मांगा जाता था आज उस तरह की चीजें नहीं है, इसलिए किया जा रहा है। रही बात हमारे बड़े भाई की, तो उन्होंने अच्छी बात कही, आज सिंगल विंडो सिस्टम बना हुआ है, लगभग 300 कानूनों को एक करके, और कहा गया कि अगर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए कोई अप्लाई करता है, फैक्ट्री लाइसेंस लेने के लिए कोई सिंगल विंडो पे अप्लाई करता है और 30 दिन में अगर आप उसकी टिप्पणी को दूर नहीं करते हैं, स्वतः मान लिया जाएगा कि उसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है, उसका फैक्ट्री लाइसेंस अप्रूव्ड है। अगर डबल स्टेयर नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, कोई कमी है, आप तत्काल उसमें टिप्पणी में लिख दीजिए। अगर नहीं लिखते हैं तो आप पैसे बनाने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए अगर ऐसे कार्य करेंगे निश्चित तौर पर नहीं बख्शा जाएगा, एक बात। दूसरी बात, रियायतें दी गई है और चुनने के लिए कहा गया है, पहले अधिकारियों से मिलते थे, तमाम मंत्रियों से मिलते थे और वो मंत्री समूह तय करता था किनको लाभ पहुंचाना है। आज स्वतः आप उस विंडो सिस्टम में जाकर देख सकते हैं कि मैं ये निवेश लगाऊंगा इस पे 12% की छूट है, किस निवेश पर 23% की छूट है और किसी निवेश पर 30-50% की छूट है। आज लेदर पार्क आप लगा रहे हैं तो उसमें 22% की छूट है, अगर आप फार्मा में आ रहे हैं तो उसमें 27% की छूट है। तो वो स्वतः तय करेगा कि कौन सी चीजों में हमको निवेश करना है, और बिल्कुल पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार ये कह के रखी हुई है कि उस विंडो सिस्टम में जो अप्लाई करेगा अगर उसमें कोई भी गलत कार्य करेगा निश्चित तौर पे वो दंड भुगतने के लिए तैयार रहेगा। और मैं कह रहा हूं ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, जब इस प्रदेश के लगभग 200-300 अधिकारी जेलों में हवा खा रहे हैं, 22-23 बड़े अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं और बड़े लोगों को घर का रास्ता दिखाया जा चुका है, तब जाके इस तरह की चीजें बन पाई है। जब बड़े बड़े ऐसे लोग जो बंदूक दिखाकर डराने का काम करते थे उनको जब जेल में ठूस दिया गया है, उनको बाहर का रास्ता दिखा गया है, तब उत्तर प्रदेश में इस तरह के माहौल उत्पन्न हुए हैं। हम कह रहे हैं बड़े भाई ने अच्छी बात कही, समाजवादी पार्टी सरकार में भी कार्य हुआ गा, हम उसका स्वागत करते हैं, जनता भी उसका स्वागत करती है, 3-3 बार जनता आपको इसीलिए बैठाई। लेकिन क्या आप चैनल पर बैठ के ऐसी झूठी बातें करते हैं? लेकिन सर देखिए मनोज जी तो ये भी कह रहे हैं, कोई निवेशक नहीं आया, साढ़े चार करोड़ कि देखिए आपको अगर निवेशक लाना है तो उसके लिए आपको रोड शो करने की क्या जरूरत है, आप कार्यक्रम का आयोजन करिए लेकिन उसके लिए रोड शो करके एक तरह से राजनीति करने की क्या जरूरत है। ये सवाल बहुत अच्छा है जी। देखिए हर आदमी का अपना तरीका होता है, जब आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में आप अपनी पसंद की चीजों को मंगाते हैं, उसके नाते रेस्टोरेंट नहीं खराब होता है, आपको तय करना है कि आप क्या भोजन करेंगे। ये लोग तय करते थे कि भाई इनके यहाँ नाच गाना करके मंगाया जाता था, इनके यहाँ नाच गाना करके सैफई में बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था, और हम रोड शो करके बुला रहे हैं। मुझे लगता है कि
ये तो नहीं उंगली उठा सकते हैं। लेकिन आज डिबेट जिन विषयों पे हो रहा है, मैं उस विषय से हटना नहीं चाहता हूँ, बहुत गंभीर विषय पे डिबेट हो रहा है। हमारे बड़े भाई ने पूछा, मैं 90,000 करोड़ रुपए जो विदेशी कंपनियां हैं वो जमीन खरीद चुकी हैं ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में, डिफेंस कॉरिडोर में 20 ऐसी कंपनियां हैं जो डिफेंस कॉरिडोर में जमीन खरीद चुकी हैं, अभी डेटा उपलब्ध है गूगल पर, हमारे बड़े भाई मनोज जी डालें और देख लें। पेप्सिको की कंपनी जो लगी है वो समाजवादी पार्टी की देन नहीं है, अमूल की फैक्ट्री लगी होगी उत्तर प्रदेश में, आप लगाए होंगे, लेकिन जो वाराणसी में अमूल की फैक्ट्री लगी है। चंदानी साहब ने कहा कि देखिए आपने लगभग 3 दशक से काशी कॉरिडोर आपने बनाया, वहां पर देखिए वहां पर होटल कैसे खुले, वहां पर लोगों को जमीन नहीं मिल रही है, आज जो उसका आप क्या उपाय निकालेंगे सर, वहां पर हॉस्पिटल्स कैसे बने, काशी कॉरिडोर तो बन गया, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पर रहने के लिए पर्यटक आ रहे हैं, 10 करोड़ वहां पर सुविधाएं चाहिए, वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं है, तो ये किस तरह से होगा, इसको लेकर किस तरह की रणनीति जो है वो सरकार बना रही है? सरकार ने क्या किया है अयोध्या काशी और प्रयागराज में जी, बहुत सारे जमीनों के खरीद फरोख पर रोक लगा दिया है और उन्होंने कहा है कि एक उचित मुआवजा देते हुए हम ये जमीन लेंगे और हम एक अलग कॉरिडोर विकसित करेंगे जिसमें भव्य बस स्टैंड होगा, जिसमें अलग से एयर कनेक्टिविटी होगी, रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ हॉस्पिटल कनेक्टिविटी होगी, आप चाहे अयोध्या में पता कर सकते हैं, और इसी तरह की कार्रवाई काशी में भी हो रहा है। आप देखिए गोरखपुर में कोई होटल नहीं था, लेकिन गोरखपुर में जॉनसन जॉनसन जो कंपनी फॉरेन की कंपनी है वो निवेश लगाने के लिए गीडा में तैयार हो गई है। निश्चित तौर पर बड़े भाई अच्छी बात कहे, पहले लोग गाजियाबाद में जाते थे, नोएडा में जाते थे, क्यों? क्योंकि रोडों की कनेक्टिविटी थी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया और 4 घंटे में उनके फल सब्जी सब्जी और रॉ मटेरियल अगर लखनऊ और दिल्ली पहुंच जाता है, निश्चित तौर पे लोग उसको अपनाएंगे। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, वहाँ के दूध और वहाँ के फल, वहाँ की सब्जियाँ, वहाँ के लोगों की उपयोगिता बढ़ेगी। निश्चित तौर पे जब आप सड़कों का निर्माण करेंगे, भयमुक्त समाज देंगे, जब लोगों को लगेगा तो केवल उत्तर प्रदेश में इतने बड़े जी आप सवाल पॉकेट में उद्योग लगने चाहिए जी। उनका कहना है कि पूर्वांचल में उद्योग जो है वो बेहद कम है, वहाँ पर वर्कफोर्स ज्यादा है लेकिन वहाँ पर उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है। देखिए इस बार जो फोकस किया गया है, आप देखे होंगे बार बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमारे औद्योगिक मंत्री जी ने भी कहा कि हम काशी को फोकस किए हुए, हम सिर्फ नोएडा और गाजियाबाद को नहीं फोकस किए क्योंकि वो पहले से इंडस्ट्रियल हब है, हम उसको भी फोकस किए हैं, लेकिन अधिकांश निवेशकों को कहा गया है कि आप प्रयागराज में भी लगाइए, आप काशी में भी लगाइए, आप गोरखपुर में भी लगाइए, आप कानपुर में भी लगाइए, और लगभग 22% लोग जो 100% में से 22% लोगों ने इच्छा जाहिर किया है कि हम वाराणसी और प्रयागराज और गोरखपुर में निवेश को बढ़ावा देंगे। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो हेल्थ सेक्टर के उसमें है, कुछ और भी सारी कंपनियां हैं, तो वो सभी लोग इस तरह के जब निवेश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो विकास का पहिया केवल एक जगह था आज पूरे प्रदेश में घूमेगा। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ, मनोज जी संत सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए अपना अपना तरीका है, आप कार्यक्रम का आयोजन करते थे और हम रोड शो के जरिए जो है वो इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? समृद्धि देखिए बीजेपी कहीं से कहीं को कनेक्ट कर सकती है, इसमें दो राय नहीं है। हम तो डरते हैं और हमें बात कहने से पहले सोचना पड़ता है कि जो हम कह रहे हैं जनता उसको सोच रही होगी तो क्या समझेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सफाई महोत्सव करते थे MOU साइन करने के लिए, ये बिना सिर पैर की बातें बीजेपी के लोग जब टीवी चैनल पे कहते हैं तो मुझे हंसी आती है। और ये जो बुद्धिजीवों के राजनीतिक दल जो था अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहता था, इससे अच्छे तो उत्तर प्रदेश के पिछड़े मुख्यमंत्री थे जो पिछड़े वर्ग से आते थे। आप सब तो बड़े संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत एडवांस कैटेगरी हैं और आपकी फीडिंग भी बड़ी अपडेटेड है, तब आप इस तरह टीवी चैनल पे कैसे एसन सिंह जी बोल सकते हैं कि सफाई महोत्सव MOU साइन कराता था? गजब का आपका कम्बिनेशन। खैर आपकी बातों का जवाब देने का मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप सिर पैर की बात कर ही नहीं रहे, आप पता नहीं एक तुरान और एक ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल है इसलिए कि और वो एक मिनट ना ना प्रेम करने बहुत आपने बोला बीच में, हमने कोई टिप्पणी नहीं की, ना 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 ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं ना, बीजेपी से हमें ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं नहीं ऐसा सिंह जी ज्ञान नहीं चाहिए मुझे आपसे, इसकी सरकार ना 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 ज्ञान नहीं सुन लेते हैं सर, मैं फिर अभी मैं बोल रहा हूं जवाब ये वहां निवेश कैसे सर, जवाब ले लेते हैं मनोज जी से, पैर का लगेगा मैं बिल्कुल साहब बिना सिर पैर का लगेगा जिसकी सरकार में केवल दंगे होते थे उसको तो बिना सिर पैर का लगेगा। ऐसा सिंह जी मैं वापस आता हूं सर आपके पास, सुन लीजिए ना सर, मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं जी, 28 लोग
ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मनोज जी अपनी बात पूरी करिए, मनोज जी अपनी बात पूरी करिए। सही दूसरे को गलत सिद्ध करते हुए मेरे पास एक आपको सोचना चाहिए कि अरे शांत रहिए भाई, बक 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 बिल्कुल मशीन की तरह चल सकते हैं। अरे कैसे सरकार में हो तो कम से कम सिंह जी एसएन सिंह जी कोई इंटरव्यू थोड़े ना हुआ। एसएन सिंह जी जवाब ले लेते हैं सर, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं सर। एसएन सिंह जी की आवाज डाउन कर दीजिए, टीवी पे तब बोला करो जब तथ्य बोलिए। मनोज जी अरे भाई आप क्या बीजेपी के लिए सम्मान निधि देना चाहिए ना, झूठ बोलो, 42 लाख आवाज देना चाहिए ना, आपको 1.5 करोड़ शौचालय देना चाहिए ना, आपको 1.45 करोड़ घरों में बिजली देना चाहिए ना। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भाजपा ने बनवाया, ये बिना सिर पैर के हुआ। आगरा तेरा जो है किसानों को आप बताइए, लखनऊ चीनी मिलें बिक जाती है आपकी सरकार में, हम पूछ रहे हैं तो बिना सिर पैर के हुआ। 3-3 रुपए मुआवजे दिए गए आपकी सरकार में, ये बिना सिर पैर के हुआ। भगवान कैसी बात करते हैं मनोज जी, कैसे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने आपको बना दिया, क्या आपको नहीं पता 30 रुपए से लेकर 3 रुपए तक किसानों का उपहास करने का कार्य आपकी सरकार में किया गया। 3-3 रुपए मुआवजे दिए गए उनको, फिर आपके बच्चे भी परेशान होंगे कि भगवान ने श्राप दे दिया, झूठ। ठीक है ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ शैलेन तिवारी जी भी जुड़ गए। शैलेन जी आपका बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। शैलेन जी देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है 2023 और फरवरी में इसका आयोजन किया जाएगा और कहा ये जा रहा है कि देखिए 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है विदेशों से और अब उसको जो देश के निवेशक है उन पर फोकस किया जा रहा है। रोड शो का आयोजन किया जाएगा, 7 बड़े शहरों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे मुंबई, वहां से तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे, फिल्मी हस्तियों से मुलाकात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए ये आयोजन आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों की मांग को रखते हैं कि आपने जो पिछले इससे पहले जो सबमिट किए थे उस पर क्या हुआ, उस पर इतना खर्चा आपने किया था उस पर क्या इनपुट निकल कर आया, आउटपुट तो आपने दे दिया। आज आप फिर ये करने जा रहे हैं, कुल मिलाकर के मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसकी वापसी कुछ नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को व्यक्तियों का व्यक्तिगत प्रचार होता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता है। उसके अलावा कोई भी इनपुट अगर आया हो तो सामने रखें, बताएं, तथ्यात्मक बात करें, कृपया करके सबूत के साथ बात करें, हवा में कोई बात ना करें। मैं यहाँ लखनऊ में जितने भी कल कारखाने थे उनकी क्या स्थिति है, लखनऊ की स्थिति जो है स्वच्छता को लेकर, स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर क्या है, उस पर क्या क्या प्लान बना था, क्या क्या हुआ, क्या उधार पाए हैं, क्या स्थिति है, सब छोड़िए सर, स्मार्टनेस के नाम पर अभी ये मौका वारदात पर चुनाव तक ना करा पाए ऐसी व्यवस्था है, लोगों को पीआर देना पड़ा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है लखनऊ की जनता के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में झूठ बोलती है, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर में कुछ और। ये झूठ बोलना बंद कर दे, सामने प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन दिखाएं कि हाँ ये चीजें हुई। केवल जुमलेबाजी से काम नहीं बनेगा, मैं एक बार कहूंगा कि नेता इनके जुमलेबाज, पार्टी इनकी धोखेबाज, मंत्री इनके चालबाज, ये ऐसी चल रही है, कहीं कोई जमीनी हकीकत तो कुछ है नहीं। 100 रुपये में CNG है, 100 के आसपास पेट्रोल है, लेकिन स्मार्टनेस के नाम पर आपको बहकाना, बदरगाना, घुमाना, इस तरह के सबमिट करना और जो है दीवालों पे तस्वीर बना देना, इस पे स्मार्ट सिटी हो गया। मुझे नहीं लगता कि इससे देश का कुछ भला होगा। लखनऊ शहर के 80-90 लाख लोगों में पूछे कितने लोगों को, शैलेंद्र जी भला क्यों नहीं होगा? देखिए समाजवादी पार्टी ने किया ना इन्वेस्टर्स समिट और उसके बाद मनोज जी ने अभी गिनाया कि देखिए ये मेदांता सिटी जो है वो उन्होंने बनाया और उसके बाद जो स्टेडियम है वो आ गया, तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ उसके बाद ही ये सब चीजें आई ना। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही तो उसका आउटकम भी आएगा ना, कुछ वक्त भले ही लग जाए लेकिन आएगा। कब आएगा? अभी जो किया पिछले वाला उसको तो बता दें। हां तो सर कोरोना पहले लग गया था, कोरोना से मुझे लगता है कि 2020 के बाद से नहीं हुआ रे सर। अब ये सुनिए सर, आपने कोरोना बोल दिया, अभी रोते रहेंगे कोरोना,
ये कोरोना कोरोना बना बना के देश को 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ है? पूछिए इनसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पंजाब की चर्चा नहीं करेंगे। 2020 के बाद शायद हो रहा है, समृद्धशाली प्रदेश था और जहाँ हमको लग रहा अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा मादक द्रव्यों की तस्करी अगर किसी ने कराया तो कांग्रेस सरकार ने, वहां की जनता ने इनको बेदखल कर दिया। और ये पेन कॉपी लेकर नोट कर ले राजस्थान की, जहां महिलाओं पे सबसे ज्यादा दुराचार हो रहा है। ये पेन कॉपी नोट लेकर नोट कर ले झारखंड की, जहां इनकी सरकार आई है और वहां सारी व्यवस्था तहस नहस हो गई। हम तो इनको गिनाना चाहते हैं कि आप देखिए सैमसंग की कंपनी अभी कोरोना काल में भारत में आई है तो आप बोल थोड़ी पाएंगे। आप चाहते हैं और आपके करोड़ दर्शक ना सुन पाए, चाहते हैं आप देखिए रैपिड रेल कब बन रहा है, डेसाल्ट कब आया है, थॉमसन ग्रुप जो है सर उद्योग लगे वो कह रहे फैक्ट के आधार पर जवाब दीजिए सर। अरे मैं तो फैक्ट पे बता रहा हूँ, बयान में बनाएंगे हम इनको बता रहे हैं कि 20 बड़ी कंपनियों ने देश की जनता के जमीन खरीदा, हमको बताते हैं। अरे भाई ऐसे लोगों से देश को हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, जो भगवान राम की सत्ता को मानेंगे नहीं, राहुल गांधी को भगवान मानेंगे, राहुल जी की सत्ता की सत्ता नहीं आप मानेंगे नहीं, लेकिन राहुल को मानेंगे की घटना हो जाएगी, हिंदू पे पहुंचते जवाब खत्म हो जाते हैं सारे। कौन कर रहा था, कसाब कर रहा था, तो जब झूठे लोग पूछने जाएंगे, जो झूठे लोग होंगे, जो देश बांटने का कार्य किए, जो देश में इमरजेंसी लगा है, जो 8 लाख हिंदुओं के मामले में कोई बात नहीं हो रही है, ऐसे लोगों से पूछने कहाँ है, कोई मतलब नहीं। समिट का जवाब दीजिए, समिट का जवाब दीजिए, समिट का जिसमें बेहतर है। ऐसे 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 तो डिबेट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो हम झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए सर, वो क्या जवाब दे रहे हैं? ठीक है, आप लाइक भी नहीं है कि आप साफ डिबेट को कंडक्ट कर रहे हैं। आप को आपकी बात, आपकी बात को, आपकी बात को सुनो ना सर, आपकी बात को सुनो, उनको उनकी बात को सुन लेते हैं ना सर। 5.5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया, सर आप बोल रहे थे, किसने इंटरप्ट किया? ये भी तो बोल रहे हैं, अब उनकी बात सुन लेते हैं ना सर, आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं ना वो। बिल्कुल अपनी बोलने दीजिए, इनके बोलने से क्या हुआ, जब इनके नेता को लीडर में पता नहीं, इनके नेता को पता नहीं कि आलू से सोना पैदा होता है कि नहीं, इनके नेता को पता नहीं कि तमाम बनना है, कमिटी बनना है, सबसिक बनना है, तो उनके बोलते रहे। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गलत बोल रही है, संसद से लेकर सड़क तक आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप क्यों उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे? आप 7 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आप 6 जगह जनता से पटक दे रही है, राहुल गांधी जी जनता को गिनवा रहे हैं और जनता ने इतना सफाया कर दिया, दूसरे का भी सफाया कर रही है जनता। सहानुभूति और श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगने वाले, देश को खंडित करने वाले लोगों को क्या झूठ और क्या सही, प्रमाण पत्र कहाँ से दिया जा रहा है भाई? प्रमाण पत्र कौन दे रहा है भाई? प्रमाण पत्र कौन दे रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? किससे मांगा जा रहा है? जनता से मांगा जा रहा है, जनता दस्तक करके दे रही है कि उत्तर प्रदेश में पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है, जवाबदेह सरकार है। 1600 करोड़ की संपत्तियां जो इनके रिश्तेदारों की थी, आज उसको धराशायी करके गरीबों को शैलेंद्र जी जा रहा है, शैलेंद्र जी सरकार है उत्तर प्रदेश की। झूठों को क्या जवाब देंगे? ठीक है, 100 बार भी कहेंगे झूठे बोले कहेंगे वही है। डिबेट में आने के लिए बहुत देर हो गया। अरे शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, अरे ठीक है ना सर, अरे भाई अरे कुछ और भी बोलिए शैलेंद्र जी, आप एक ही बात बोल के रह गए सर, आप एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? 26/11 की घटना हिंदुओं ने कराई थी, हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, कांग्रेस का सर,
उन्होंने सुन लिया, उन्होंने सुन लिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे, पंजाब की कर देंगे, जी इस तरह से डिबेट नहीं होगी। आप एक ही बात गलत है, हाँ तो सुन लिया आंसर उन्होंने, नहीं 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 इस तरह से डिबेट नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी, चाहे वो हो चाहे आप हो, डेटा है। अरे तू सुन लिया ना सर, एक ही बात बार बार बोलना तो क्या डेटा है। अरे मैंने पहले बोला ना उनको, इस तरह से डिबेट करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, 4 लाख करोड़ का डेटा है, 4.5 लाख करोड़ का नहीं बचा था, 1,76,000 करोड़ घोटाला किया था, क्या हुआ इनकी सरकार में बरी हुए वो लोग। अरे भाई आपसे बड़ा मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी घोटाला किया, कामन मनोज जी ठीक है सर, शैलेंद्र जी प्लीज, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लखन सिंह जी, लखन सिंह जी की आवाज डाउन करिए, मनोज जी 3G क्या क्या घोटाला, मनोज जी हम घोटाले पे थोड़े ना जा रहे हैं, हिमाचल ऐसा सुन लिया, फिर शैलेंद्र जी फिर आप शुरू हो गए, फिर आप शुरू हो गए उसी तरह से, आपने पूछा हमने बताया, झूठ बोलते हैं आप, नहीं पूछते तो हम नहीं बताते, ये सच बोले, झूठ ना बोले, सच बोले, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी ठीक है आइएगा, एसएन सिंह जी दोबारा आइएगा, आप पेन लेकर आइएगा, नोट करो, मनोज जी अपनी बात पूरी करिए, मनोज जी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को बताना चाहती है, और उत्तर प्रदेश के भाई एमयू साइन करने का सीधा सीधा यही मतलब है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक मजबूत स्तंभ मिलेगा, एक रोजगार का साधन मिलेगा, और जिला वाइज तमाम सारी चीजें उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर और सुगम और सरल बनाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ एमयू साइन करने से या 2-4-10 जिलों में इन्वेस्टमेंट आ जाने से एक बड़ी जो आबादी है उत्तर प्रदेश की, और जो जैसा कि अभी चंदानी साहब ने कहा 8 करोड़ से ज्यादा के नौजवान हैं जो बेरोजगारी की स्थिति में है, जिनके पास कोई बहुत बेहतर काम नहीं है, तो जो हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तमाम सारे ODP ODOP के नाम से इस सरकार ने प्रचारित किया, उन पे कितना एमयू आया, कितना इन्वेस्टमेंट उन पे आया। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बना तो इसमें रास्ते में समाजवादी पार्टी ने कई मंडियां बनवाई, आलू मंडी बनवाई, आम की मंडी बनवाई, और फल मंडी बनवाई, अनाज की मंडी बनवाई, तो उन मंडियों का मतलब सिर्फ कोई उस प्रदेश की उस जिले की उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वो एक जरिया है। क्या उन पे इस सरकार ने कुछ फोकस किया अथवा नहीं किया, या जो भी नए कारखाने आने की बात की जा रही है उनके कम से कम बीजेपी के प्रवक्ताओं को 10 नाम लाके लिस्टिंग के साथ कहनी चाहिए और विपक्ष को देखना चाहिए। और दूसरी बात, आपके चैनल पे ऐड मिलता है नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे मीडिया में ऐड चलना चाहिए भाई कि देखिए कन्नौज में इस सरकार ने ये बनाया है, बनारस में ये बन रहा है। हम चलाते थे हमारी सरकार का जब था, और हर दिन व्यापार जो प्रचार आता था, विज्ञापन उस पर चलता था। मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मैं भगवान राम की शपथ खा के कह रहा हूं कि आलू से सोना बनाने वाली बात सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में कही, राहुल गांधी जी ने उसको कोट करके कहा कि ऐसा कहा बीजेपी ने। क्या एसएन सिंह भगवान राम की शपथ खाएंगे कि ये बात सबसे पहले इस देश में राहुल गांधी ने कही थी कि नरेंद्र मोदी ने कही थी? अब आओ इस पे जवाब दो तो जाने, राम को मानते हो, भगवान राम को पूछते हो तो झूठ तो नहीं बोल पाओगे राजनीति में ऐसे समावाद से होगा भगवान का, जवाब दो एसएन सिंह जी। खाओ भगवान राम की सौगंध, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की, माता दुर्गा की, सबकी सौगंध खा के कह रहा हूं कि सबसे पहले ये बात देश के प्रधानमंत्री जब नहीं थे तब उन्होंने कही कि एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ सोना निकलेगा। उसको फिर किसके बारे में कहा गया, मीम बनाया गया, ये बात मैं ईश्वर की शपथ, सारे देवी देवताओं की शपथ खा के कह रहा हूं, एसएन सिंह कसम खा के कहे कि ये बात राहुल गांधी ने सबसे पहले। एसएन सिंह जी ODOP से कितना मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 नहीं आएगी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए एसएन सिंह जी, खिलाओ कसम, खाओ भगवान की राम की कसम, राम दरबार की कसम खाओ। आवाज गई जी एसएन सिंह जी, बोलिए आवाज गई, नहीं आएगी आवाज, जब कसम वाली बात खत्म हो जाएगी तब आएगी आवाज। एसएन सिंह जी और निकाल दिया होगा वहां से सिस्टम, म्यूट कर दिया होगा ना। भारत पार्टी की वैक्सीन बताते हैं
और ऐसे लोगों की खाओ पहले क्या बात करेंगे जो पहले भगवान राम की कसम खाओ, गलती हो जाती है, पहले भगवान राम की कसम खाओ कि कालनेमी भी भगवान तुम्हें देख रहा है, हम कालनेमियों की भगवान शिव देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत माता दुर्गा देख रही हैं, वो भगवान राम के भगवान कृष्ण देख रहे हैं, भगवान राम के हंस गए ऐसा सिंह रास्ता गोल गोल नाचोगे गोल 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 नचा मारेंगे तो लो आगे फंस गए देखो पीछे बीवी नाराज तो नहीं हो रही है कि कसम मत खाना न मैं पीछे खड़ी हूँ तुम्हारे झूठी कसम मत खाना देख लो भगवान के राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग अगर भगवान राम का नाम लेने लगे ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है देश में चले गए इस परिवर्तन को स्वीकार रहा हूँ कि आज आप मान गए और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था चूंकि उनके इसलिए कह रहे हैं कि केंद्र में होकर 10 साल सरकार में सहयोगी रहे ऐसे अधिक मामले में जो सहयोगी रहे निश्चित तौर पे वो जो दोनों बबुआ थे उसका कर्ज चुकाने के लिए मनोज जी ऐसी बातों को कह रहे हैं भगवान राम अरे मनोज जी कहाँ का बेटा कहाँ लेकर चले गए हम कहाँ बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हो जाती है मैं आप दोनों के पास बता रहा हूँ देखिए मनोज जी हम वीडियो बता रहे हैं कि कोरोना का झूठ बोल रहे हैं वहाँ के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा कितना आप देख रहे हैं इसको फायदा मिला है और बिजनेस के क्षेत्र में लोगों को जो है वो फायदा मिला है पूरे इस नाते वो लोग कसमें खाते हैं कसम खाना है तो आप बोलिए जनता के बीच में जाइए ऐसा है कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के हम लोग आए चर्चा करें कि प्रदेश में निवेश हमारा कैसे आएगा। अभी आपने एक सवाल किया कि ODOP में जो स्कीम बनाई गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे को हर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ जितना जरूरी है प्रोडक्ट को बनाना उतना ही जरूरी है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना, वो प्रोडक्ट कैसे हमारा बिकेगा इसमें भी हमें उनको उद्योगपतियों को थोड़ी सहायता करनी पड़ेगी। ODOP में जो सामान बन रहा है उसकी मार्केटिंग हो, उसके बारे में स्पष्ट आदेश हो कि सरकार में अगर उस सामान की जरूरत है तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट से खरीदा जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं, एक स्वस्थ प्रतियोगिता और एक संरक्षण देने का काम सरकार करे। जिलों में जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि स्मार्ट सिटी बने तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के आपसी जिलों में एक प्रतियोगिता रहे कि भाई कौन नंबर वन आया, कौन नंबर टू आया इस साल, कौन नंबर थ्री आया, किसने कितना विकास किया, वहाँ के CDO को, वहाँ के DM को, वहाँ के मेयर को बुला के सम्मानित भी किया जाए ताकि उनमें एक उत्साह आए, एक प्रेरणा आए काम करने की। और माहौल जो बनाना है वो माहौल बनाना पड़ेगा निवेश का, और बिना माहौल बनाए काम नहीं होगा। निवेश का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद हो, दूसरा उनका प्रचार भी हो। जैसे अभी भाई साहब SN सिंह जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ वन विंडो है, भाई उसका प्रचार करिए। लखनऊ में कहाँ आपने कहीं चार बोर्ड रिमांशु जी लगे हुए देखे हैं जहाँ लिखा हो कि भाई ये वन विंडो का प्रोग्राम है, आपको उद्योग लगाना है तो इस विंडो पे आप जाइए। इस तरह की चीजों को प्रचारित करने की भी जरूरत है। और हमेशा विदेशी पूंजी की तरफ देखना ये भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ जो अपने छोटे छोटे देसी उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा छोटा उद्योग देता है व्यवसाय, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। आप देखिए बहुत बड़ा विदेशी निवेश आता है तो रोबोटिक्स फैक्ट्रियां होती हैं। मुझे लगता है इसी उद्देश्य की वजह से जो है वो ODOP लॉन्च किया गया था सरकार की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।